Trying to call is current. हेलो कुछ नहीं यार, बहुत परेशान हूँ। क्या दिक्कत हो गई यार? बॉस ने निकाल दिया जॉब से। यार जॉब से निकाल दिया? हाँ यार, तू तो जानते हैं कितना बड़ा चमन चूक गया वो। हाँ पता है, तेरा बहुत चमक गया तो है। अच्छा सुन, तो मैं तेरे को शाम को मिलता हूँ ना यार,
आराम से बात करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते यार। अब बता भाई, क्या दिक्कत है तुझे? तुझे का मतलब? तुझे अपनी बंदी के पास? यार एक बात बता, अब इतने दिनों बाद तो मिली थी यार वो, थोड़ा तो टाइम स्पेंड करना ही पड़ता ना यार, समझ रहा है? अकेले थी। अब बता, मेरा भाई यहाँ आ गया ना, बता ना क्या दिक्कत है? तुझे बताया तो था यार, तेरे जॉब से निकाल दिया मुझे। बहनचोद, तूने कुछ किया होगा पक्का? मैंने कुछ किया होगा? हाँ मैंने कुछ किया होगा। बहनचोद तू जानता भी है कितना बड़ा चमन चूते हुआ, कितनी बड़ी चूल्हे से हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता। भाई मुझे कहता है बहनचोद तुम्हें काम नहीं आता। भाई मुझे काम नहीं आता तो 6 महीने से मैं मरवा क्यों रहा था? मुझे 6 दिन में निकाल देता, 6 हफ्ते में निकाल देता। भाई 6 महीने कौन मारता है यार? कोई भी 6 महीने मारता है इंसान की चाल बदल जाती है, बहनचोद इंसान हिल जाता है मेरी हालत से। माँ ने इतना दूध दही पिला के मुझे भेजा, मेरा बेटा काम करेगा, मेरा लड़का बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन साले ने इतनी मारी, सारी मलाई निकाल दी और फिर भी चैन नहीं आया। भाई 15 मिनट भी लेट हो जाओ ना तो सारा हाफ डे लगा देता है, और मैं 10 मिनट पहले पहुंचू, 2 घंटे बाद जाऊं। मैंने बोला सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। भाई भैंचो ने इतनी खामियां निकाल दी, इतनी खामियां तो मेरी बीवी ने नहीं निकाली थी शादी के समय, जितनी इस कुत्ते ने निकाल दी। मुझे कहता तुम करते क्या हो? तुम तो अपने मजे में आते हो, तुम चले जाते हो, बिल तो हमारा आता है, एसी हमारा चलता है। भाई भैंचो 15,000 की सैलरी में तेरा मैं बिल भर दूं? बोल इसकी बीवी को भी पाल लेता हूँ, इसके बच्चे स्कूल छोड़ आता हूँ, ले आता हूँ। भैंचो करूँ तो करूँ क्या यार मैं? अरे यार तुम गांड मार ली उसने। अरे सुन अभी बता, भैंचो गांड मारने चले उसकी अभी? पागल है, उसकी गांड इतनी अच्छी नहीं। थोड़ी और डालना। भोसड़ी के घर पे खड़ा होना या नहीं होना बीवी के सामने? बीवी? हाँ बीवी का मतलब जानता तू? बीवी का मतलब होता है लक्ष्मी। जब लक्ष्मी घर में आती है ना तो भैंचो शांति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है, आनंद ही आनंद मिलता है। या भैंचो मेरी बीवी है सर, चंडाली चंडाली टांडव तो ऐसा करती है भाई पूछ मत। एक बात बता, शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब शादी होता होगा। चल बहुत सारी चूतिया ही रहेगा। शादी का मतलब होता है मांग भरना। भाई मांग भरने का मतलब ये नहीं होता कि भैंचो तुम जीवन में उसकी मांग ही भरते रहो, हर चीज उसकी फरमाइश पूरी करते रहो। फरमाइश ऐसे करती है जैसे भैंचो मैं नोट छापने की कंपनी में काम करता हूँ। अब इसे क्या बताऊं यार, भैंचो बॉस मेरी गांड पे लात छापता है, नोट नहीं छापता भाई। लेकिन कंपनी में फोन आता है, हेलो बेबी गोलगप्पे ले आना, मोमोस ले आना, समोसे ले आना, और वो क्या होता है हॉट हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम। भाई मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं ऐसी चीज भी होती है। भाई मुंह पे चढ़ने में मुझे 20 दिन लग गए हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम। जो आइसक्रीम के नाम पे बहन जो हमारा बाप 2 रुपए कुल्फी खिला देता हमें वही पता थी। प्यार नहीं करते, अब तुम मुझे चाहते नहीं हो, अब तुम मुझे वैसे देखते नहीं हो। भाई कैसे देखूं? भैंचो रोबोट की आंखें हैं क्या मेरी? जो भैंचो बटन मैंने आंखें चेंज करवा ली हो, अब तो रात में 4 बजे उठेगी, बेबी आप उठ गए, मैं आपको देख रहा हूँ। देख भाई ये तो नहीं करता बंदा, कितना मरा आता है। भैंचो अपना सो जाता है, लेकिन जब भी बात करनी है इन्हें भैंचो सुबह उठने से पहले बात करनी है, पूरे दिन फोन पे बात करनी है। और बात क्या करनी है? मेरी माँ को छोड़ा हो गया, मेरे बाप के पास चले गए, मेरे भाई की नौकरी नहीं लग रही। अब भाई निठल्ले आदमी की नौकरी कब लगती है? भैंचो घर बैठे बैठे किसकी नौकरी लगती है? और मुझे कहती है तुम इसके लिए नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? अब यार मैं उसे क्या बताऊं, भैंचो मेरी भी नौकरी चली गई यार। तब से भैंचो पक करे जा रहा है यार। भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? बेफालतू की टेंशन ले जा रहा है, बेफालतू की। भैंचो टेंशन का नाम लिया और फोन आ गया। किसका?
नहीं नहीं बेबी कुछ हाँ हाँ नहीं बेबी मैं गोलगप्पे ले रहा था आपके लिए। हाँ हाँ खट्टा नहीं हाँ खट्टा ज्यादा करवाना है। ठीक है मैं खट्टा ज्यादा ले लेता हूँ। ठीक है पापड़ी भी ले ली चार नहीं नहीं मैं पांच करा लूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ बेबी आ रहा हूँ। ठीक है बेबी बाय भाई जब शादी करेंगे ना पता चले यही जीवन होता है बहनचोद शादीशुदा आदमी का। भाई मुझे शादी कभी नहीं पसंद। साले तू तो मजे ले नहीं नहीं छमिया के साथ हमें तो मिलवाता नहीं है। अरे यार मिलवाऊंगा तुझे भी उसके साथ। टेंशन क्यों ले रहा है। चल मैं निकल रहा हूँ भाई मुझे गोलगप्पे भी लेने हैं बहनचोद। चले जाना भाई चार पापड़ी ले ली भाई। पैसे तो है ही नहीं यार कहाँ से लूँ मैं। अरे यार ले रहने दे यार तू कब तक पैसे देगा। रखना यार तू सुन जो भी मंगवा रही है भाभी उनको और सुन वो चार पापड़ी वो भी खिला दिए भाई साले मजे। अरे यार जान है तू यार चार पापड़ी कैसे लगे बेबी खट्टे मीठे बढ़िया। आज रात का क्या इरादा है। कोई इरादा नहीं है। क्यों बेबी देखो मेरे झुमके इतने बढ़िया तो लग रहे हैं तुम्हारी तरह पुराने हो गए। तो क्या हो गया नहीं आ जाएंगे। कब कल पक्का। अरे पक्का चाय। कहाँ जा रहे हैं आप। ये चाय पी के मजा आ रहा है। जा कहाँ रहे हो आप। मुझे काम आ गया था मीटिंग में। संडे के दिन आपको पता है ना संडे का दिन सिर्फ मेरा होता है। आशा जी बीबी का होता है लेकिन यहाँ एक काम आ गया जल्दी उसको निपटा के यूं आया। अबे मुंह बनाना छोड़ो सुनो हंसे एक देव बजे मुझे मैं आ रहा हूँ 9 बजे। ठीक है तो मेरे लिए खाना बना के रखना और अपना ध्यान रखना। प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्या दिक्कत है। नमस्ते भैया। नमस्कार। देखो ये लड़के की जरूरत है आपको काम के लिए। नहीं यार अभी तो फिलहाल को रिक्वायरमेंट नहीं। देख लो यार बहुत जरूरत है। नहीं अभी मार्केट में बहुत मंदा चल रहा है काम है नहीं तो इसलिए लड़के की जरूरत है। देख लो यार काम की बहुत जरूरत है यार। भैया फिलहाल तो अभी है नहीं कुछ होगा तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम बता देंगे। प्लीज भैया बताना है बहुत जरूरत है। ठीक है नमस्ते भैया। भैया कोई लड़के की जरूरत है आपको काम के लिए।
आदर्श नंबर की गली नंबर 1 कहाँ पड़ेगी? भाई मुझे नहीं पता, बता दो ना यार भैया। भैया बात बताओ, ये काम कैसे मिलता है? मिल जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है यार। क्या बात कर रहे हो, मुझे मिल जाएगा? क्यों नहीं मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ यार बताओ, आप दिखाइए मुझे फोन, आपका नंबर देता हूँ आपको। लो भैया इस नंबर पे बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू भैया। अच्छा आप क्या कह रहे थे, गली नंबर 4? वे यहाँ से लेफ्ट लेना और लेफ्ट से राइट लेना, सीधा पहुँच जाओगे। ठीक है, थैंक यू यार। ये कैसे जी? 24। ये वाला 14। ये वाला को थैंक यू भैया। तो तुम कब तक आ रहे हो? जल्दी आना थोड़ा। ओके बाय। वो रात तक आने वाले हैं, हमारे पास पूरा दिन है, हम पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं आराम से। अच्छा फिर तो आज फुल मस्ती होने वाली है। मतलब बिल्कुल